डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डीन मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में आइसोलेटेड बारिश दर्ज किया, हाईएस्ट हुआ है धार डिस्ट्रिक्ट में 8.2 मिलीमीटर। ईस्ट एमपी में भी आइसोलेटेड बारिश दर्ज किया, हाईएस्ट छिंदवाड़ा में हुआ 4.2 मिलीमीटर। और प्रदेश के सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रिपोर्ट हुआ दतिया में 46.5, वहां पे हीटवेव कंडीशंस प्रिवेलिंग है। ग्वालियर में 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, गुना में 44.5 डिग्री दर्ज किया। और ईस्ट एमपी में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया है नवगांव में 43.6 डिग्री सेल्सियस। अभी के आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया का काफी रीजन में ऑलरेडी तापमान बढ़ना शुरू हो गया। नॉर्दर्न पोर्शन में ये डार्क रेड कलर में दिख रहे हैं, वहाँ पे 44-45 रेंज में टेम्परेचर अभी चालू है। और अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ 56 डिग्री लॉन्जिट्यूड में सक्रिय है और आने वाले दिनों में वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में उसका असर रहेगा। और नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था कल, वो और वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ नॉर्दर्न मध्य महाराष्ट्र की तरफ है, ऊपर मतलब एमपी के ऊपर से वो चालू है। तो ये स्थितियों के अनुसार हमने आने वाले दिनों के लिए फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। अब इसमें देख सकते हैं अभी भी सदर्न पोर्शन में अभी भी हल्के से मॉइस्चर और इंस्टेबिलिटी अवेलेबल है, इसलिए अभी भी थंडरस्टॉर्म और हल्का रेनफॉल का चांसेस है। स्पेशली ये साउथ ईस्ट एमपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में शिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और वेस्टर्न एमपी का नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, ये रीजन में भी बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का गस्टी विंड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया तो ऑलरेडी ये रीजन में 44-45 डिग्री में टेम्परेचर चालू है, तो ये रीजन के लिए हमने हीटवेव वार्निंग दिया है येलो कलर में। और कल के लिए देखा गया तो कल भी ये ट्रफिंग की वजह से सदर्न एमपी के, साउथ ईस्ट एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का सा बारिश, साथ साथ थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड का चांसेस प्रिवेलिंग है। एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ये टेम्परेचर और बढ़ रहे, उसका स्प्रेड बढ़ने का चांसेस है, तो गुना, अशोकनगर वगैरह भी अगले दिन से हीटवेव कंडीशन में आने का संभावना है। और 20 तारीख का देखा गया तो ईस्टर्न एमपी का ये जो फॉरेस्ट रीजन में हल्के से चांसेस है थंडरस्टॉर्म के लिए, स्पेशली पांडुर्ना, छिंदवाड़ा एंड शिवनी रीजन में। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ग्वालियर चंबल रीजन का पूरा डिस्ट्रिक्ट्स और ईस्टर्न एमपी का भी निवाड़ी, टिकमगढ़, छतरपुर, वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी हीटवेव कंडीशन का चांसेस है। और साथ साथ साउथ वेस्ट एमपी का खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट्स में भी तापमान बढ़ने का चांसेस है, साथ साथ हमने येलो कलर में हीटवेव वार्निंग दर्ज किया है। और 21 को भी ऑलमोस्ट यही स्थिति कंटिन्यू रहेगा और उसी टाइम तक रेनफॉल एक्टिविटी एकदम कम हो रही है। तो ये इसके हिसाब से देखा गया तो आने वाले एक दो दिन में यहाँ का रेनफॉल एक्टिविटी टोटल मध्य प्रदेश में कम हो रही है और काफ़ी क्षेत्रों में अभी तापमान बढ़ने का चांसेस है। थैंक यू।